ऑलराइट सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या सोसाइटी को ज्वाइन करने का कोई बेनिफिट होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आपके साथ कि किस तरह से मुझे सोसाइटीज में ज्वाइन करने की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी एंड किस तरह से आपको हेल्प मिल सकती है, या फिर अगर आपके पास पैरेलल ऑप्शन है तो शुड यू कंसिडर ज्वाइनिंग सोसाइटीज और यू शुड फोकस ऑन सम अदर ऑप्शन। सो विदाउट एनी फर्दर एडियो लेट्स स्टार्ट टू दिस वीडियो। एंड अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ फटाफट जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दो। सर यार देखो यार, मैं अपने फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने 3 सोसाइटी ज्वाइन की थी। हालांकि मैंने फॉर्म्स काफ़ी सारी सोसाइटीज़ के फिल किए थे, मतलब ऑलमोस्ट 6 to 7 सोसाइटीज़ के मैंने फॉर्म फिल किए थे, बट फाइनली मैं 3 सोसाइटीज़ का पार्ट बना था। ठीक है, तो मैंने सबसे बेस्ट चीज़ ये की थी कि तीनों सोसाइटीज़ में अलग अलग डिपार्टमेंट्स यूज़ किए थे। ठीक है, तो मैं NSS का पार्ट था जिसके अंदर मैं सोशल चेंज डिपार्टमेंट का मेंबर था, मैं फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सोसाइटी का पार्ट था जिसके अंदर मैं एक्सटर्नल रिलेशन का मेंबर था, एंड द थर्ड वन इज़ रोटरेक्ट सोसाइटी, मैं उसमें पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का मेंबर था। तो बेसिकली मैंने तीनों डिपार्टमेंट में अलग अलग काम किया था। तो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में आई वाज डीलिंग विद द ग्राफिक डिजाइनिंग एंड द वीडियो एडिटिंग, इन चीज़ों के बारे में सीख रहा था। ठीक है, तो मैंने कैनवास सॉफ्टवेयर सीखा, वीडियो एडिटिंग के बेसिक्स टूल्स वगैरह सीखे। दूसरी जगह एक्सटर्नल रिलेशन का जहाँ पर मेंबर था, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा स्पॉन्सरशिप का समझ में आने लगा किस तरह से स्पॉन्सरशिप रेज की जाती है, इवेंट्स के लिए कैसे स्पॉन्सर्स को ऑनबोर्ड किया जाता है एंड कैसे इन काइंड स्पॉन्सरशिप होती है, इन कैश स्पॉन्सरशिप होती है, और इवेंट को कैसे सक्सेसफुल बनाया जा सकता है स्पॉन्सर को ऑनबोर्ड ला के। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने स्पॉन्सरशिप के बारे में सारा चीज़ें एक्सटर्नल रिलेशन डिपार्टमेंट में रहकर सीखी। एंड द थर्ड वन वाज सोशल चेंज डिपार्टमेंट, बेसिकली वहाँ पर हमें वीडियो शूट करनी होती थी एंड सोशली जो भी चीज़ें हैं उसको किस तरह से आप वीडियो के फॉर्म में कन्वर्ट करके कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, तो वहाँ से मेरे की थोड़ी बहुत कंटेंट क्रिएशन की स्किल इनबिल्ड होने स्टार्ट हुई थी। दो मेरा कंटेंट क्रिएशन में ऑलरेडी इंटरेस्ट था उस टाइम पे, मैं वीडियो शूट कर रहा था, तो हालांकि वो कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा बहुत हेल्प कर रही थी। तो मैं तीनों डिपार्टमेंट में अलग अलग चीज़ सीख रहा था। ठीक है, तो तीन स्किल मैं पैरेलली सीख पा रहा था। ठीक है, तो अगर यार आप सोसाइटीज ज्वाइन कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप 3 या 4 सोसाइटीज के अंदर हो, तो ट्राई करो चारों में ना अलग अलग डिपार्टमेंट चूज करो, बिकॉज अगर एक डिपार्टमेंट चूज कर लोगे उससे एक्सपर्टीज तो आ जाएगी, बट द थिंग इज आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर के अंदर एक्सपर्टीज पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, यू हैव टू फोकस ऑन मल्टीपल स्किल्स, बिकॉज जितनी ज़्यादा चीज़ें ट्राई करोगे उतनी ज़्यादा जल्दी आपको पता लगेगा कि किस चीज़ में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड फिर उस चीज़ को आप फॉलो कर पाओगे अपने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर। ठीक है, तो वहाँ से अपना कुछ बिल्ड कर पाओगे। तो मेक श्योर करो कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन करो एंड अलग अलग स्किल्स सीखने की ट्राई करो। अब टॉक्सिक भी हो सकता है सोसाइटी का कल्चर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारी सोसाइटीज़ बहुत अच्छी होती है, बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी भी होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है, आपको सीखने को ज़्यादा नहीं मिल रहा होता एंड आपका जो पीयर प्रेशर होता है या पीयर ग्रुप्स होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं ऐसे कि आपको थोड़ा प्रेशराइज फील होने लगता है या फिर आपको डीमोटिवेटेड फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी सोसाइटीज़ को आप छोड़ सकते हो विदाउट एनी सेकेंड थॉट। ऐसी सोसाइटीज़ में रहो जहाँ पर आपकी अपवर्ड ग्रोथ हो रही है, जो लोग हैं आसपास वो सपोर्टिव है, एंड आपको अगर कोई चीज़ नहीं आ रही या फिर नहीं सीखने को समझ में आ रही तो एटलीस्ट लोग सिखा पा रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो ऐसी सोसाइटीज़ का ही पार्ट रहो। जस्ट फॉर द सेक ऑफ बींग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी वो चीज़ मत करना कि मैं सोसाइटी का पार्ट हूँ, सोसाइटी का मेंबर हूँ। डेड सोसाइटी का पार्ट रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट वो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, एज अ मेंबर की तो डेफिनेटली वैल्यू नहीं होती, एंटिल एनलेस अगर आप प्रेजिडेंट वगैरह या फिर टॉप डिपार्टमेंट हेड्स वगैरह रहे हो तब फिर भी थोड़ा बहुत वैल्यू या फिर इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ पे बात कर ली जाती है, बट एज ए मेंबर इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो मेक श्योर करो कि आप स्किल्स बिल्डिंग पे फोकस करो अपने फर्स्ट ईयर के अंदर, एंड सोसाइटी सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि आप विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस एंटर कर सकते हो। तो मैं बताता हूँ कि मेरे को तीनों सोसाइटीज़ कैसे हेल्प रही थी। ठीक है, तो बेसिकली मैंने 3 स्किल्स सीखी थी, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कैनवा, एंड द अदर वन वाज एक्सटर्नल रिलेशन की स्पॉन्सरशिप कैसे रेज होती है, और वीडियोस मैं ऑलरेडी शूट कर रहा था यूट्यूब चैनल के लिए। तो बेसिकली जब यूट्यूब जब ड्यूबर्स को इंस्टाग्राम पर लेके गए तो बेसिकली वहाँ पर स्पॉन्सरशिप्स लेके आनी पड़ती थी। ठीक है, मतलब अगर हम कुछ इवेंट्स वगैरह करा रहे हैं तो मुझे वहाँ पर वो स्पॉन्सरशिप का जो मैंने थोड़ी बेसिक डिटेल्स या फिर बेसिक जानकारी मेरे को पता लग गया था कि कोल्ड ईमेल्स, कोल्ड मैसेजेस, कैसे रीच आउट किया जाता है स्पॉन्सर्स को, कैसे बात की जाती है, कैसे मैसेजेस बनाए जाते हैं और कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं, तो उसके बारे में मुझे बेसिक आइडिया लग गया था 6-7 महीने के अंदर। तो वो मुझे ड्यूबर्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई, हम मीडिया स्पॉन्सर्स भी बने काफ़ी सारी कॉलेज सोसाइटीज़ इवेंट्स में, 200 से ज़्यादा सोसाइटीज़ को ऐसे मीडिया स्पॉन्सर कर चुके हैं, तो ये बेनिफिट मेरे को सोसाइटी के डिपार्टमेंट से हुआ। ठीक है, सेकंड वन बस PR में वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैं कर रहा था, तो मेरे को वीडियो एडिटिंग में भी काम आने लगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग मुझे थंबनेल्स बनाने में काम आने लगे, इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाने में काम आने लगे। ठीक है, तीसरी डिपार्टमेंट वही था कि कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड था, तो वो तो मैं ऑलरेडी वीडियोज़ बना रहा था।
अब आपको ज्वाइन जो भी सोसाइटी करनी है ना, तो थोड़ा सा फ्यूचर का गोल देख के चलो कि यार आपकी स्किल कहाँ पे काम आने वाली है। डेफिनेटली कोई ना कोई स्किल सीखोगे तो वो कहीं ना कहीं काम आने वाली है, ठीक है। बस आपको उन सारी स्किल्स को एक साथ जोड़ के कुछ नया बिल्ड करना आना चाहिए। वो हालांकि फर्स्ट ईयर के अंदर नहीं हो पाएगा, इतना ज़्यादा नहीं सीख पाओगे आप इतना जल्दी कि फर्स्ट ईयर के अंदर ही सीख के आप फर्स्ट ईयर अंदर ही बिल्ड कर लो। आपको ट्रायल लेना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेने पड़ेंगे, आप फेल भी हो सकते हो बट एटलीस्ट आपको ट्राई करना पड़ेगा। बट ऐसा है कि आप जितनी भी स्किल सीखोगे एंड जब उसको एक साथ यूनाइट कर दोगे ना, तो कुछ आप अलग क्रिएट कर सकते हो। मेरे केस के अंदर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ड्यूबस, एंड आप अपने केस के अंदर कुछ भी हो सकता है। अगर आप कोई फाइनेंस के फील्ड के अंदर एंटर कर रहे हो, वहाँ पर कुछ सीख रहे हो, तो हो सकता है कि आपको वो प्रोफेशनल कोर्स के अंदर काम आ सके, आपके प्रैक्टिकलिटी में काम आ सके, ठीक है। अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ें सीख रहे हो, तो हो सकता है कि आप इन्वेस्टिंग सीख जाओ। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो डेफिनेटली सोसाइटी ज्वाइन करना वर्थ इट है। अब मैं सोसाइटीज़ को इंटर्नशिप से ऊपर रखता हूँ फर्स्ट ईयर के अंदर, बिकॉज द थिंग इज आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता एंड ज़्यादातर बच्चों को इंटर्नशिप्स मिलती भी नहीं है फर्स्ट ईयर के अंदर, बिकॉज विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको कहीं कहीं से इंटर्नशिप मिलेगी, अनटिल अनलेस आपने ट्वेल्थ में कुछ अच्छा कर रखा है जिसके बेसिस पे आपकी इंटर्नशिप लग जाए या फिर आपके रेफरल्स हो। तो मेक श्योर करो कि सोसाइटीज़ का पार्ट रहो। नंबर वन रीज़न यही है कि इंटर्नशिप्स नहीं मिल पाती फर्स्ट ईयर में। नंबर टू इज़ आपको थोड़ा कनेक्शन बिल्ड करना होता है, आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना होता है। आप डायरेक्टली किसी भी बंदे को रीच आउट नहीं कर पाओगे अगर आप किसी सोसाइटी का पार्ट नहीं हो, बिकॉज थोड़ा सा बंदा कॉन्फिडेंट भी नहीं होता। एंड जब सोसाइटी का पार्ट रहते हो तो आपको पता लगता है कि किस तरह का माइंडसेट रहता है लोगों का। आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग अलग शहर के लोगों से मिलते हो, उनका कल्चर जानने को मिलता है, एज वेल एज उनसे बातें करते हो तो आपको पता लगता है कैसे बात करनी है एक अननोन बंदे से, ठीक है। तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है। एंड आपके काफ़ी सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो सोसाइटी से बनते हैं एंड बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर तक रहते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर के अंदर फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा सर्कल बन जाता है सोसाइटीज़ का, बिकॉज जो भी सोसाइटीज़ में आ रहे हैं तो मेजरली स्टूडेंट्स क्या होता है कि अपवर्ड ग्रोथ अप स्किलिंग पे फोकस करते हैं। तो आप भी उसी माइंडसेट के साथ जाओगे, कोई दूसरा बंदा भी उसी माइंडसेट के साथ आ रहा है, तो दोनों की पैरेलल ग्रोथ होती है और वो अपवर्ड होती है, ठीक है। तो आपको क्राउड और कल्चर अच्छा मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सोसाइटी के अंदर आपको क्राउड अच्छा ना मिले, तो यार विदाउट एनी सेकंड डोर छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी बंदे को, ठीक है। ये मत सोचना कि यार मैं सोसाइटी छोड़ दूंगा तो सोसाइटी को क्या फर्क पड़ेगा या फिर प्रेसिडेंट क्या सोचेगा मेरे बारे में। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, किसी को 1% भी फर्क नहीं पड़ता आप सोसाइटी का पार्ट हो सोसाइटी का पार्ट नहीं हो, ठीक है। तो उस चीज़ को कभी भी मत लेके आना, बिकॉज आप भी यही सोचोगे तो फिर बाकी सब क्या सोचोगे। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल देना एंड कॉलेज में आ गए हो तो फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने आप को जितना ज़्यादा आप स्किल करोगे मार्केट में आपकी उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी एंड लोग उतना ज़्यादा आपको पूछेंगे, ठीक है। तो ऑलवेज फोकस ऑन स्किल बिल्डिंग। कोर्सेज तो आप कर ही रहे हो, अपना जो भी बैचलर का कोर्स करने आए हो वो तो आपको करना ही करना है, बट साथ में स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे स्पेसिफिकली, बिकॉज डिग्री के साथ साथ स्किल्स भी देखी जाती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आपको यहाँ से आइडिया मिल गया होगा कि सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो आप किस तरह से सोसाइटीज़ का बेस्ट यूज़ कर सकते हो, किस तरह से स्किल्स सीख के अपने सेकेंड ईयर के अंदर कुछ यूनाइट करके अच्छा क्रिएट कर सकते हो। तो फोकस करो ऐसी स्किल्स पे जो 3-4 सीखी जा सके 6-7 महीने के अंदर एंड फिर उसको यूनाइट करके कुछ अच्छा क्रिएट कर सको। अगर नहीं भी हो पाता तो कोई दिक्कत नहीं है यार, एटलीस्ट 6 महीने में कुछ ना कुछ तो सीख के जाओगे। तो सोसाइटी बेस्ट चीज़ रहती है मेरे ख्याल से, एंड आपको इवेंट मैनेजमेंट स्किल्स भी बहुत आ जाती है, बिकॉज जब आप इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो तो वो सबसे बेस्ट चीज़ होता है, ठीक है। उसके बारे में कभी किसी और दिन बात करेंगे, किसी स्पेसिफिक वीडियो में बात करेंगे कि इवेंट मैनेजमेंट का सीन क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आप सीख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे, चेकआउट कर सकते हो, लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इनसाइटफुल कंटेंट मैं वहाँ पर अपलोड करता हूँ, तो आप जाके फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो ड्यूबस को एंड मेरे पर्सनल अकाउंट को भी, लिंक्स सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज तुषार साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वन।